फ्रोजन पराठे एक दिन बनाए और पूरा रमजान खाएं सेरी की बहुत ही खास रेसिपी लेकर आई हूँ पराठे के बगैर तो हमारी सेरी बिल्कुल नामुमकिन लगती है आज मैं लेकर आये आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार से फ्रोजन पराठे वो भी बहुत आसान तरीके से बहुत ही मज़ेदार इंशाल्लाह बनेंगे और लच्छेदार बनेंगे और बहुत ही खस्ता बनेंगे तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और उसको कैसे फिकस करना है दो माह के लिए सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगी तो चलें फिर मजेदार से लच्छेदार से पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इसकी हम डो रेडी कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें चार कप मैदा ले लेना है तो यहाँ पर आप जो है ना घी का आटा भी ले सकते हैं तो मैं तो कुछ तरीके से हमने छान लिया था तो मैदा ऐड करने के बाद उसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा नमक जाके के मुताबिक नमक को ऐड कीजिएगा और इसमें शामिल कर देंगे देसी घी के तीन चम्मच आप चाहें तो इसमें कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं देसी घी से हमारे पराठे बहुत ही मज़ेदार से और लुचीदार से बनेंगे अगर आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं पराठे तो आप ज़्यादा आटा लीजिएगा तो यहाँ पर हमारे जो बनेंगे सत्रह से अठारह बनेंगे पराठे अगर आप मोटे बनाना चाहते हैं तो आपके दस बनेंगे या बारह बनेंगे उसी हिसाब से आप आटे को लीजिएगा आप उसमें पानी ऐड करके अच्छी तरीके से इसकी हम डो रेडी कर लेंगे जैसे ही हम नॉर्मली आटा गूँधते हैं वैसे ही हमने आटे को गूंद लिया इसके ऊपर हमने थोड़ा सा देसी घी लगा देना है अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो इसके ऊपर आप ऑयल भी लगा सकते हैं तो अच्छी तरीके से हमने घी लगा दिया इसके ऊपर कवर लगा के रखेंगे 20 से 25 मिनट के लिए जब तक अच्छी तरीके से सॉफ्ट सा हमारा डो ना रेडी हो जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं आप डो अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है इसके हम पेड़े बना लेंगे तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने मोटे और कितने पतले बनाना चाहते हैं पराठे तो यहाँ पर हमने सौ ग्राम का एक पेड़ा लिया था आप अपनी मर्जी के मुताबिक पेड़ को बड़े या छोटे कर सकते हैं तो पेड़ के ऊपर हमने हमें आटा लगा दिया इसको हम बेल लेंगे बेलन की मदद से तो रेसिपी को फुल फॉलो कीजिएगा ताकि आपके भी पराठे लच्चीदार और बहुत ही मज़ेदार बने तो सबसे पहले इसको हम बेल लेंगे बेलन की मदद से जैसे हम रोटी को बेलते हैं इस तरीके से इसको हम बेल लेंगे लेकिन थोड़ा सा इसको मोटा बेलेंगे तो अच्छी तरीके से इसको हमने बेल इसके ऊपर लगा देंगे देसी घी अगर हम घी या ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगे रोटी में तो हाँ जो लच्ची पराठे वो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे उसके लेयर बाहर नहीं निकलेंगे यानी कि वो लच्छा नहीं बनेंगी तो उसी हिसाब से आपने घी या ऑयल लाजमी लगा देना अब यहाँ पर हम कटर की मदद से इस तरीके से इसको हम स्ट्रिप कट कर देंगे अगर आपके पास कटर नहीं है तो कोई बात नहीं आप छुरी की मदद से भी इसको कट कर सकते हैं तो छुरी की मदद से भी आसानी से कट जाएगा स्ट्रिप कट में तो इसको हमने कट कर, कर दिया स्टिप कट में अब इसको हम इकट्ठा कर, कर लेंगे डो को अगर इस स्टेज पे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर तो कर दीजिएगा चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए कर दीजिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट अब स्लाइटली सा डो को हम खींचेंगे ताकि जो हमारे लचीदार पराठे हैं वो ज़्यादा मोटे ना बने थोड़े से पतले बने इसलिए इसको हम थोड़ा सा खींचेंगे खींचने के बाद के ऊपर लगा देंगे देसी घी ब्रश की मदद से इस तरीके से घी को लगाने के बाद को हम इस तरीके से राउंड करते जाएंगे यानी कि इसका पेड़ा बना लेंगे तो ये रेसिपी उन लोगों के लिए भी है जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता यानी कि बिज़ी मॉम होती है जो कि घर में सारा दिन बिजी रहती है वो चाहती है कि हमारा वक्त बच जाए तो ये इनके लिए बेस्ट रेसिपी है या फिर वो जॉब कर रही होती है होम जॉब या फिर कहीं बाहर जाती रहती हैं तो उनके लिए बेस्ट रेसिपी है तो आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा तो उसको हमने थोड़ा सा पेड़ा बना लिया थोड़ा सा उसको हमने स्लाइड टी सा प्रेस कर लिया था तो आप देख सकते हैं हमारे पेड़े में कितनी लेयर आ चुकी है लच्चे की अब इसको हम हल्का सा प्रेस कर लेंगे हाथों की मदद से थोड़ा सा कुछ काटा लगाने के बाद इसको हम बेल लेंगे बेलन की मदद से तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मोटी और कितनी बड़ी बनाना चाहते हैं पराठे तो यहाँ पर हम मीडियम साइज के पराठे बना रहे हैं आप चाहें तो इसमें जो है ना बड़ी साइज के भी पराठे बना सकते हैं और छोटे भी बना सकते हैं तो ये इजीली बन जाते हैं पराठे हमारे लेकिन बहुत ही मज़े के बनते तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो इसको अच्छे तरीके से हमने बेल लिया बेलन की मदद से तो आप देख सकते हैं तो यहाँ पर इसके हमने मीडियम साइज़ रखी हुई है इस तरीके से हम सारे पराठे बना के रेडी कर लेंगे तो यहाँ पर हमने प्लास्टिक शॉपर लिए है तो आप कोई भी ले सकते हैं या फिर बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो बटर पेपर में पराठे रखने से ये होगा कि वो गीला हो जाएगा पेपर वो फट जाएगा यानी कि हम पराठे के ऊपर जो घी लगाएंगे या फिर ऑयल लगाएंगे तो ऑयल की मदद से वो गीला हो जाएगा बटर पेपर तो इसलिए यहाँ पर हमने प्लास्टिक पेपर का इस्तेमाल किया था इस तरीके से हम बना लेंगे सारे पराठे तो यहाँ पर हमने सारे पराठे बना के रेडी कर लिए थे तो यहाँ पर हमारे सत्रह से अठारह बने थे सिर्फ एक दिन की मेहनत लगती है और पूरा महीना आप आराम से खा सकते हैं बहुत ही मज़े के बनते हैं तो ऐसा करने से हमारा काफ़ी टाइम बच जाएगा और हम पूरा महीना अच्छे तरीके से इबादत कर सकते हैं वैसे तो हमारा हर दिन इबादत के लिए होता है लेकिन ये ख़ास महीना हमारे लिए इबादत का होता है तो चलें फिर हम पराठों को फ्रीज़र में रखते हैं तो कुछ पराठे हम फ्रीज़ कर लेंगे और कुछ को हम फ्राई कर लेंगे आपको दिखाने के लिए तो इस तरीके से आप ढेर सारे पराठे बना के रख सकते हैं तो तवे को इस तरीके से हमने गर्म कर लिया था इसके ऊपर हमने देसी घी एक चम्मच डाल दिया और पराठा डाल देंगे इस तरीके से और मजीद शामिल कर देंगे देसी घी तो ये हमारा इससे बहुत ही मज़ेदार और खस्ता पराठा बन के रेडी होगा तो इसकी हम साइड चेंज कर देंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पर फ़्राई करेंगे यानी कि इसको हम पकाएंगे जब तक अच्छी तरीके से ये हमारा लाइट गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी से पराठा ना होने लगे दोनों साइड से हमें फ्राई कर लेना है तो आप देख सकते अच्छी तरीके से ये हमारे गोल्डन क्रिस्प होने लगा है पराठा तो इसको अच्छी तरीके से हमने फ्राई कर लिया इसके लच्छे अलग अलग होते जा रहे हैं आप देख सकते हैं तो इस तरीके से हमने डेढ़ सारे पराठे बना के रख लिए थे तो आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार कितने खस्ता हमारे पराठे बन के रेडी हो चुके हैं आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा आप इसके एक एक के को चेक कर सकते हैं कितने अलग अलग हो रहे हैं तो इस लच्छेदार पराठे को आप किसी साथ के साथ भी खा सकते हैं यानी कि दही के साथ भी खा सकते हैं और चाय के साथ भी खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं ऐसे भी बहुत ही मजे के बने तो इस रेसिपी को जरूर शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा की तरह दो में यह जरूर कीजिएगा फिर मिलते तक नहीं और बहुत ही मजेदार से रेसिपी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा टेक केयर बाय बाय अल्लाह हाफिज़